ने रिलीज है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय युवा कांग्रेस का हंगामा, महंगाई के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की गई है नारेबाजी। भारतीय युवा कांग्रेस ने किया है जोरदार हमला। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, महंगाई के मुद्दे को लेकर किया है वो विरोध प्रदर्शन, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ की गई है नारेबाजी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय युवा कांग्रेस ने आज महंगाई के मुद्दे को लेकर किया है विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की गई है नारेबाजी। भारतीय युवा कांग्रेस ने किया जोरदार हमला। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भारतीय युवा कांग्रेस ने किया है जोरदार हमला। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है, जहां महंगाई के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है, केंद्र सरकार के खिलाफ की गई है नारेबाजी। इस वक्त की बड़ी खबर, कई इलाकों में आज हुई है बारिश, जहां बिन मौसम बरसात ने लोगों को किया है परेशान। ठाणे पालघर में रुक रुक कर हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट किया है जारी। मौसम विभाग ने जोरदार बारिश का भी अनुमान जताया। कई इलाकों में आज हुई है बारिश, मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, बिन मौसम बरसात ने लोगों को किया है परेशान। ठाणे पालघर में रुक रुक कर हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट किया है जारी। मौसम विभाग ने जोरदार बारिश का भी अनुमान जताया। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बिन मौसम बरसात ने लोगों को परेशान किया है। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर, अनियंत्रित कार बेकाबू होकर, हादसे की वजह से एक की मौत और छह लोगों की घायल होने की सूचना है, जहां झारखंड के जनपद गिरीड के निवासी है मृतक। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, घायलों को भी इलाज के लिए भेजा गया है अस्पताल। एक्सप्रेसवे के बेटा मुजावर थाना क्षेत्र के पास की है घटना, अनियंत्रित कार पिकअप होकर ट्रक में जा घुसी। हादसे की वजह से एक की मौत और छह हुए हैं घायल, झारखंड के जनपद गिरीड के निवासी है मृतक। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर, घायलों को भी इलाज के लिए भेजा गया है अस्पताल, जहां एक्सप्रेसवे के बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के पास की घटना बताई जा रही है। अंबेडकर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर, हत्या कर फेंका गया है युवक का शव, जहाँ विदेशी नागरिक के रूप में हुई है युवक की पहचान। इमादपुर गांव में मिला है युवक का शव, भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। आलापुर तहसील क्षेत्र का है पूरा मामला। अंबेडकर नगर से इस वक्त की पूरी खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हत्या कर फेंका गया है युवक का शव, विदेशी नागरिक के रूप में हुई है युवक की पहचान, जहां इमादपुर गांव में मिला है युवक का शव। शव मिलने से लोगों में मचा है हड़कंप, जहां भारी पुलिस बल भी तैनात। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस मुठभेड़ में तीन छात्र बदमाश हुए हैं घायल, जहां पीली नदी शाहपुर के पास की हुई है मुठभेड़। तीनों को ट्रामा सेंटर में कराया गया है भर्ती। मुठभेड़ में बदलापुर व महाराजगंज पुलिस रही है शामिल। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस मुठभेड़ में तीन शातिर बदमाश घायल हुए हैं, जो पीली नदी शाहपुर के पास हुई है ये मुठभेड़। तीनों को ट्रामा सेंटर में रेफर कराया गया है, भर्ती किया गया है। मुठभेड़ में बदलापुर व महाराजगंज पुलिस रही है शामिल। पुलिस मुठभेड़ में तीन शातिर बदमाश घायल हुए हैं। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, तीनों को ट्रामा सेंटर में कराया गया है भर्ती। पेड़ में बदलापुर व महाराजगंज पुलिस रही थी शामिल।
बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर, अमन त्रिपाठी की हत्या का मामला सामने आया है, जहां अमन त्रिपाठी के परिजनों से मिलने पहुंचे हैं अखिलेश यादव। 13 अक्टूबर को केन नदी में मिला था अमन का शव। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए थे सवाल। सीबीआई जांच के एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं परिजन। अमन त्रिपाठी की हत्या का मामला बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर। अमन त्रिपाठी के परिजनों से मिलने पहुंचे हैं अखिलेश यादव। 13 अक्टूबर को केन नदी में मिला था अमन का शव। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए थे सवाल। सीबीआई जांच के लिए एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं परिजन। अमन त्रिपाठी की हत्या का मामला। और परिजनों से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे परिवार के लोगों की मांग है कि उन्हें न्याय मिले, सीबीआई जांच हो, सरकार क्या छिपाना चाहती है, सरकार क्या सच्चाई दबाना चाहती है। जब परिवार से बेटा है, उन्होंने बेटा खोया है, तो सरकार की जिम्मेदारी है परिवार को न्याय दें। हमने परिवार से निवेदन किया है कि धरना न दें, समय सरकार मिलेगी तो हम उनका जो चाहेंगे, जिस तरीके से जाँच कराना चाहेंगे, हम जाँच के लिए तैयार हैं। मुझे परिवार के लोगों की मांग है। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहां अखिलेश यादव पहुंचे हैं अमन त्रिपाठी के परिजनों से मिलने। 13 अक्टूबर को केन नदी में मिला था अमन का शव। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए थे सवाल। सीबीआई जांच के लिए एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे थे परिजन।